गाजीपुर से अजय कुमार सीनियर रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। 10वीं तक है मान्यता लेकिन इंटर तक चल रहा प्राइवेट विद्यालय माता श्याम देवी उत्तर माध्यमिक विद्यालय का नहीं है 12वीं तक की मान्यता। फिर भी धले से हो रहा है संचालित विभागीय अधिकारी मौन। खबर गाजीपुर से है जहां गाजीपुर शिक्षा विभाग फिर एक बार सुर्खियों में है। आपको बता दें कि जनपद में प्राइवेट विद्यालयों के नाम पर आए दिन मनमानी देखने और सुनने को मिलती है। ताज़ा मामला माता श्याम देवी उत्तर माध्यमिक विद्यालय नगवा माहपुर का है जहाँ पर केवल 10वीं तक की मान्यता लेकर इंटर तक की कक्षाएं संचालित की जा रही है। आपको बता दें कि विद्यालय के मान्यता के समय जब तक भवन निर्माण पूरे तरीके से नहीं हो जाता है तब तक शिक्षा विभाग के द्वारा प्राइवेट विद्यालय को मान्यता नहीं दी जाती है। लेकिन यहां पर केवल 2 कमरों का रूम बनाकर बाकी 3 सेट रखकर विद्यालय प्रबंधन की ओर से मान्यता ले ली गई और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा मान्यता दे दी गई। लेकिन ऐसे में सवाल अब यह उठता है कि आखिरकार ऐसे विद्यालय को किस आधार पर मान्यता दे दी गई। विद्यालय के नाम पर बच्चों को शौचालय एवं पानी पीने योग्य एक नल की भी व्यवस्था नहीं है वहां पर, आखिरकार यह मान्यता कैसे दे दी गई। फिलहाल मामले की शिकायत डीआईओ एस भास्कर मिश्रा से करने के बाद उन्होंने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिनकी 8वीं तक मान्यता है लेकिन लगातार 12वीं तक की शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे में क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? ऐसा है, ऐसे विद्यालयों की जाँच की जा रही, पहले भी की गई है, अभी आपको जानकारी होगी, हमने प्रेस को भी दिया था। सैदपुर क्षेत्र में ऐसे 4 विद्यालय थे जिनका हमने निरीक्षण किया, बिना मान्यता चल रहे थे, उनको बंद कराया गया विद्यालय, उनको नोटिस दी गई कि अगर आप इसके बाद भी अगर चलाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बंद कर दिया विद्यालय। तो जो भी विद्यालय है वो नियमित रूप से विद्यालय ही चला सकते हैं, अवैध रूप से बिना मान्यता के कोई विद्यालय संचालित हो तो उनके विरुद्ध कार्रवाई। लेकिन नहीं, वो तो गलत है, अवैध रूप से है। देखिए इसमें 1-2 हमारे पास अवैध शिकायतें इस टाइप की आई थी, जो शिकायत है शिकायत सही पाई गई तो उनको बीएसए के यहाँ से उन्होंने 8वीं तक की मान्यता लिया, 12वीं की मान्यता नहीं है, तो उनको पत्र भेजा गया है वो कार्रवाई करनी चाहिए बीएसए। कोई विद्यालय जो मान्यता जितने तक की है उससे अधिक कक्षाएं चलाने के लिए अधिकृत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल गलत, कहीं नहीं कहीं पूरी तरह से गलत है और उन सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी अगर अवैध रूप से कक्षाएं संचालित होती है। मामला निकल गया उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, सभी कोई भी अवैध रूप से संचालित नहीं किया जा सकता, ऐसे विद्यालय की जाएगी।